हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहा है सुबह के टाइम और अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। ये आज हमने नमाज का ब्रेकफास्ट किया था और ईशानी अभी किचन में 11 बज चुके हैं। तो ईशानी वापस आ रही है अपने समर कैंप से। ईशानी का समर कैंप बिल्कुल मॉर्निंग का है। तो कैसा रहा तुम्हारा समर कैंप? अच्छा। क्या क्या सिखाया था? तो ईशानी का हो गया है और अब एक्चुअली दोपहर भी हो गई है। तो आज हमें कुछ पापड़ बनाने हैं मैदा का। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यदि मैं कुछ भी डिफरेंट बनाती हूँ तो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगे पापड़। ये बहुत ही सिंपल इजी पापड़ है, हाल बन जाते हैं 2 मिनट में और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है। तो मैंने पहले ही क्लीनिंग कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाल कर रखे हैं 2 कटोरे, ऐसे कटोरे निकाले हैं जिन पर हम पानी गर्म कर सकें। और यहाँ पर है मेरे पास 1 कटोरी मैदा, इसमें मैं डालूँगी नमक और जीरा। लगभग आधा चम्मच के करीब नमक है और आधा चम्मच के करीब ही जीरा है, छोटा वाला चम्मच है। और अब इसको हम घोलेंगे। तो घोलने के लिए लगभग इसमें 1 से 1.5 गुना पानी लगता है, 1.5 गुना से थोड़ा सा कम और बराबर पानी से थोड़ा सा ज़्यादा। यानी 1 कटोरी मैदा में 1.25 कटोरी पानी के समथिंग लगेगा। मैदा को घोलते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पानी बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना है, अदरवाइज़ मैदा बहुत जल्दी गुठली बन जाती है, बहुत बारीक होती है मैदा। इसे हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, इससे बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार यदि मैदा में गुठली आ जाती है तो फिर उसको सुलझाने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए हम कोशिश करें कि इसमें गुठली पड़ेगी ही नहीं। हम धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं और इसको चलाते जा रहे हैं, इससे ये हमारी मैदा इजीली रेडी हो जाएगी। तो बस मैदा, नमक और जीरे के साथ ये हमारी मैदा रेडी हो गई है। जैसा कि मैंने बोला था कि 1 से 1.5 गुने के लगभग पानी पड़ता है, तो इसमें 1.25 कटोरी के करीब ही पानी लगा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी पतली है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ही बहुत पतली है, एक बैटर की जैसे हो गया है इसका घोल। ये हमारी मैदा घुल गई है, हम इसको 2 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं, वो 5 मिनट के लिए। और तब तक हम अपनी एक्स्ट्रा तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह की 2 प्लेट ले ली हैं जो इस कटोरे के ऊपर बिल्कुल फिट हों, और 1 कटोरा लिया है पानी गर्म करने के लिए। आप कोई भी भगोनी ले सकते हैं, फ्राइंग पैन ले सकते हैं जिसमें आप पानी ईजीली गर्म कर सकें, उसी के नाप की हमने यहाँ पर प्लेट ली हैं जो हम इसके ऊपर रखें तो एकदम फिट आए। हमने इस पर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है प्लेट पर, क्योंकि हम इन्हीं प्लेट्स पर अभी पापड़ बनाएंगे। पानी में एक अच्छी सी खदक आ जाए उसके बाद ही हम पापड़ बनाएंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़ी प्लेट भी ले ली हैं क्योंकि जब हमारे पापड़ रेडी होंगे तो हम उन्हें उतारेंगे। इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। तो ये है हमारा बैटर और इसको हम इस तरह से फैलाते हुए गोलाई में गर्म पानी के ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से एक दूसरे बर्तन से ढक देंगे। ये देखिए मैंने ढक दिया है इसको उस प्लेट पर फैलाने के बाद। फिर मैं दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेती हूँ। जब तक ये मैंने 1 चम्मच के करीब मैदा डाल दिया इस पर और इस तरह से इसको राउंड में करते हुए इसको पूरी फैला दी है, एक सार हो जाए हमारी मैदा। और 2 मिनट में ही हमारा पापड़ पक गया है तो उसको निकालिए हमने और दूसरी प्लेट को रख दिया है। जब तक वो पापड़ बन रहा है हम
बस इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने पर एक चम्मच से निकाल लेंगे। ये देखिए मैं चम्मच से उठाकर दिखाती हूँ आपको कि ये उठने लगेगा, लेकिन अभी मैं इसको अभी 2-1 मिनट बाद ही निकालूंगी, जब हमारा वो वाला पापड़ होने पर आएगा इतनी देर में मैं इसको निकाल लूंगी। ये इस तरह से निकल आया है और इस प्लेट पर हम रखते जाएंगे और आप देखेंगे कि इस प्लेट पर इस तरह से कुछ कुछ हल्का सा है मैदा का रफनेस आ जाता है, तो हम उस पर हल्का सा ऑयल फिर से लगाएंगे और फिर से मैदा का एक पापड़ डालकर हम इस पर रख देंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा पापड़ भी रेडी हो गया है, तो हम इस पापड़ को रख देते हैं जब तक बनने के लिए। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 1-1 मिनट का ही टाइम लगता है, 1-1 मिनट में ये पकते चले जाते हैं। ये देखिए ये एकदम वाइट कलर है और जब मैं इन्हें उतार रही हूँ तो इनका कलर कुछ कुछ चेंज हो जाता है, कोई भी चीज़ पकती है तो उसका कलर बदल जाता है। ये दोनों कलर आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, तो ये इस तरह से दिखने लगते हैं। जब आप प्लेट हटाएं इस पर से तो थोड़ी सावधानी से, क्योंकि एकदम गर्म हो जाती है। दूसरी प्लेट रखकर इसे इस तरह से ढकने के लिए रखते हैं। ये फटाफट फटाफट उतरते चले जाते हैं और अभी तो हम इसको इसी तरह से बना रहे हैं, उसके बाद हम इसको अभी सुखाएंगे भी, तो इसको सूखने में तो 3 दिन लगते हैं। हम इसे धूप में सुखाएंगे, अच्छी धूप देंगे 2-3 दिन की, और उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसे तैयार हुए बन के। ये हमारे बन गए हैं और मैंने धूप में रख दिया इनको सुखाने के लिए, देखिए और एकदम गोल गोल शेप में बने हैं, ये बड़े सुंदर लगते हैं। तो 2 दिन हो गए हैं आज और अभी मैं लंच तैयार कर रही हूँ, पापड़ सूख कर आ गए हैं छत पर से आज, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनको भी तल कर देख लिया जाए। तो मैंने दूसरी साइड कढ़ाई में हल्का सा कड़वा तेल बना लिया है। ये देखिए ये छोटे छोटे से पापड़ हमारे सूख कर रेडी हो गए हैं, इन्हें भून कर देखते हैं कैसा है। एकदम गरम तेल में हमने इनको डाला है और ये देखिए फटाफट से हमारा ये पापड़ बन गया है, एकदम खस्ता कुरकुरा पापड़ रेडी हो जाता है और बहुत ही जल्दी सिक जाता है ये। तो अभी थोड़ी सी गैस तेज है, थोड़े पापड़ लाल हो रहे हैं, मैं हल्का सा स्लो करके अभी एक और भूनती हूँ उसमें और फिर दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बन रहे हैं। तो ये देखिए एकदम वाइट पापड़ आपका रेडी हो जाएगा और ये इसे आप चाहें तो चूरन के साथ या फिर कोई भी थोड़ा सा मसाला तैयार कर लीजिए, प्याज टमाटर का इसके ऊपर बारीक बारीक कीजिए और धनिया भी डाल सकते हैं, चूरन डालिए थोड़ा सा, और मज़ेदार पापड़ का स्वाद आप ही उठाइए।